देखिए मैट्रिक्स में कोई डाउट आप लोगों, क्वेश्चन नंबर 17 तक में, 19 तक कोई डाउट दिए ए इन्वर्स छोड़ के, बोलिए। हेलो, 90 तक कोई डाउट किसी को, ए इन्वर्स वाला पार्ट छोड़ के? हेलो, भाविया, सचिन, तो संचिता, मृगांका, कमलेश, अंकिता, सिमरन, बोलिए। इन्वर्स वाला पोर्शन छोड़ के कोई डाउट है किसी को 90 तक में? 50 में क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना आपको। देखिए 50 नंबर, देखिए पहला क्या, देखिए कहाँ प्लस बी कितना दिया हुआ है, टू ए प्लस बी है, 2 3 5 1। उसके बाद माइनस 2a प्लस 3 भी कितना है, -2a प्लस 3 भी कितना है, 5 4 0 5। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 2a 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3b और b कितना हो गया, 4b। -2a प्लस 3b प्लस बी कितना, 4b, 2 3 5 1, और यहाँ कितना, 10 1 3 5 है, 10 1 3 5। ठीक है, 10 1 3 5 और 2 3 5 1 ऐड करिए, तो 2 और 10 कितना हो गया, 12, 3 और 1 4, 5 और 3 8, और 1 और 5 6। तो बी कितना आएगा बताइए, फिर जो 2 कॉमन आ जाएगा, 6 2 4 3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो गया यहाँ पे, 6 2 4 3। ठीक है, ये इसको अंदर ले आना चाहे अंदर ले सकते हैं आप, 3 1 2 3/2, ये बी का वैल्यू। अब बी का पुट कर दीजिए 1 में, तो ए निकल जाएगा फिर। ठीक है, बी का पुट कर दीजिए, वैसे कर सकते हैं आप चाहे तो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे अभी हम लोग ए कैंसिल किया, अगर बी कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6a प्लस 3b, भी दोनों को माइनस करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे भी कर सकते हैं आप चाहे तो, वैसे भी कर सकते हैं आप, नहीं तो b का वैल्यू इसमें क्या करिए, पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू कितना आ गया, 3 1 2 3/2 फ्रॉम 1। तो 2h का कितना हो जाएगा बताइए आप, उससे ले जाइए, तो 2 3 5 1 माइनस 2 का वैल्यू कितना बताइए, 3 1 2, और यहां पे कितना गया, 3/2। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, और 1 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, ये ए का वैल्यू हो गया।
अंदर में अगर आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर टू से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस टू फोर सिक्स माइनस वन, अंदर में टू से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर टू से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस टू फोर सिक्स माइनस वन, अंदर में टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, अंदर टू से मल्टीप्लाई करिए तो बाहर टू से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी आपके पास कि जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे कर लीजिए आप, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ए कैंसिल हो गया, अगर बी कैंसिल करना तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थ्री बी माइनस कर दीजिए, तो वैसे करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा फिर ए आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। बोलिए डाउट इसमें, हेलो और बोले को जाओ दे। और क्रेडिट्स के अलावा बोलिए, बोलिए और क्रेडिट्स के अलावा 17 तक डाउट, इसके अलावा बोलिए नेक्स्ट लिखिए इनवर्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है इनवर्स होता है, मैट्रिक्स में डिवाइड की जगह क्या होता है इनवर्स, ठीक है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, वन बाय डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, वन बाय डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब एडजॉइंट ए क्या होता है बताइए, एडजॉइंट ए क्या होता है बताइए, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या होता है बताइए, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, एक एग्जांपल देखिए आप लोग, कोफैक्टर क्या होता है बताएंगे आपको हम आगे, कोफैक्टर ए वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइंड किया करना आपको, ए इनवर्स, वन बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, इसको बोलते डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, वन इंटू फोर, अभी जो माइनस आएगा टू इंटू थ्री, क्योंकि ए डिटरमिनेंट, वन इंटू फोर, अभी जो साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा टू इंटू थ्री, पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल को, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर सेकंड डायगोनल को, डायगोनल मल्टीप्लाई, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, वन इंटू फोर माइनस टू इंटू थ्री, और क्या निकालना आपको एडजॉइंट ए, मतलब क्या हो जाएगा बताइए, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर ए कैसे आएगा देखिए,
माइनस प्लस, पहले साइन लिखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वन, वन के डायगनल में क्या है, वन के डायगनल में, वन के अपोजिट में क्या है, फोर। साइन लिखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। पहला एलिमेंट क्या है, वन के डायगनल में क्या है, फोर। टू के डायगनल में क्या है, थ्री। थ्री के डायगनल में क्या है, टू। और फोर के डायगनल में क्या है, वन। वन के डायगनल में क्या है, फोर। टू के डायगनल में क्या है, थ्री। थ्री के डायगनल में टू, फोर के डायगनल में वन। इस तरह से आएगा, फोर माइनस थ्री। अब एडजॉइंट एरिया से आएगा, देखिए तो ट्रांसपोज कर दीजिए, फोर माइनस थ्री माइनस टू वन। ये रॉ था ना, ये रॉ क्या बन जाएगा आपका कॉलम। अब ए इनवर्स कितना हो जाएगा, देखिए फिर वन बाय डिटरमिनेंट कितना, माइनस टू, फोर माइनस टू माइनस थ्री, आंसर हो जाएगा। समझे कैसे आएगा इनवर्स। तो मैट्रिक्स में वन बाई ए नहीं लिखते, वन बाई ए की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, ए इनवर्स। ठीक है, ठीक है। तब एक क्वेश्चन करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20 करिए। सॉल्व करिए, ट्वेंटी सॉल्व करिए। हेलो, वो आप लोग क्वेश्चन 20 सेम वैसे ही है, बोलिए बताओ 20 नंबर में।
डॉक्टर रणदीप सिंह बोलिए। आप लोकेशन 20। हेलो ट्वेंटी पढ़िए। एक ही जाए 3412। ए इनवर्स कितना हो जाएगा बताइए। इनटू एडजॉइंट है ये साइन किसका है? डिटरमिनेंट का। ये साइन किसका बताइए? डिटरमिनेंट कितना बताइए? कितना डिटरमिनेंट? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3 × 2, 3 × 2 माइनस, तो 6 − 4 कितना होगा? 2। ये साइन का डिटरमिनेंट का। और एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या निकालेंगे? कोफैक्टर है, पहले क्या निकालेंगे हम लोग? कोफैक्टर कैसे आएगा बताइए? तो साइन आ रही है प्लस माइनस माइनस प्लस। 3 के अपोजिट में क्या है? 2। 4 के अपोजिट में 1, 1 के अपोजिट में 4, और 2 के अपोजिट में कितना है? 3। डायगनल में देखिए, 3 के डायगनल में क्या है? 2। 3 के डायगनल में क्या है? 2। फिर 4 के डायगनल में क्या है? 1। 1 के डायगनल में क्या है? 4। और 2 के डायगनल में क्या है? 3। ये जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर। अब एडजॉइंट कैसे आएगा बताइए? फिर इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 2 − 1 − 4 − 3। अब ए इनवर्स कितना आएगा देखिए? 1/2, 2 − 4 − 1 − 3। इसको अंदर ले जाएंगे, अगर अंदर ले जाएंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा सब, ये तो बाहर भी छोड़ सकते हैं आप। 1 − 2 − 1/2 − 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, डाउट इसमें? अंदर ले जाएंगे तो कितना आएगा? 2/2, 1 − 2 − 1/2, 3/2। अगर अंदर ले जाएंगे तो, नहीं बाहर भी छोड़ सकते हैं आप,
समझ गए इन्वर्स कैसे होगा, बोलिए कोई डाउट इसमें। हेलो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 ठीक है। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन 22 5x प्लस 6 है कितना है 39, और 7x माइनस 8 है कितना है माइनस 11। दोनों में देखिए इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एसोसिएटेड कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 5, 6, 7, -8, यहाँ कितना है एक्स वाई, और यहाँ कितना है 39, -11। ठीक है 5, 6, 7, -8 हो गया। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है जो x और y के साथ मल्टीप्लाई है, तो x 5 है y के साथ कितना है 6 है पहले, फिर x के साथ 7 है y के साथ -8 है। इसको a ले लीजिए, ये पूरा क्या हो गया a, इसको क्या ले लीजिए x, इसको क्या ले लीजिए b। हियर a क्या हो गया यहाँ पे 5, 6, 7, -8, x कितना हो गया एक्स वाई, अब बी कितना हो गया ठीक है तो ए एक्स बी हो गया। तो एक्स कितना हो जाएगा बताइए, फिर अगर ए एक्स बी है तो एक्स हो जाएगा बी बाई, लेकिन मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है इनवर्स होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है इनवर्स। तो एक्स कितना हो जाएगा फिर ए इनवर्स बी, ए एक्स बी हो गया तो एक्स कितना हो गया बी बाई, बाय डिवाइड बाय क्या आ जाएगा इनवर्स, इसको बोलते हैं हम लोग ए इनवर्स ठीक है। अब ए इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स अभी आपको बताया था ना ए एक्स बी है तो एक्स कितना हो गया बी बाय, एक्स कितना हो गया बी बाय, तो बी बाय ए नहीं होता है मैट्रिक्स में, डिवाइड नहीं होता है, तो डिवाइड करके क्या लिखते हैं हम लोग इनवर्स लिखते हैं, तो ए इनवर्स बी हो जाएगा ठीक है। अब इनवर्स निकालिए पहले 1/(a) इंटू एडजॉइंट ए, अब डिटरमिनेंट कितना आएगा बताइए 5, 6, -40, -42, -82 ठीक है। -40, -42, -82 ये हो गया इंडिटरमिनेंट। एडजॉइंट ए निकालिए फिर, तो पहले क्या निकालिए कोफैक्टर ए, ए कितना बताइए 5, 6, 7, -8, ए कितना था 5, 6, 7, कोफैक्टर कैसे बताइए
माइनस माइनस प्लस, फाइव के अपोजिट में क्या है बताइए, माइनस एट, सिक्स के अपोजिट में क्या है सेवन, सेवन के अपोजिट में क्या है सिक्स, माइनस एट के अपोजिट में क्या है फाइव, तो माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स फाइव, फिर एडजॉइंट एरिया से आगे बताइए, ट्रांसपोज कर दीजिए इसको, माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स फाइव, ठीक है, तो एक्स कितना हो जाएगा बताइए, फिर इनवर्स कितना हो गया, वन बाई टू माइनस एट माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस सेवन फाइव, अब फ्रॉम वन एक्स कितना है बताइए, इनवर्स बी अब बी कितना बताइए, 39 माइनस 11, माइनस 18 टू 39 माइनस 312 प्लस 66 माइनस 39 273 माइनस 55 यहाँ पे 246 28 डिवाइड कर दीजिए 82 से 3 और 4, तो एक्स कितना हो गया 3 और वाई कितना हो गया 4, ये आंसर हो गया, ठीक है। बुरी ग्राउंड इसमें हेलो हेलो ठीक है ना, सुन लीजिए आप लोग, ए दिया हुआ एबीसीडी फाइंड क्या करना है आपको, इनवर्स वन बाई डिटरमिनेंट, ये सारी इसका डिटरमिनेंट का पहले लाइन इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, तो एडजॉइंट कितना आएगा बताइए, एडजॉइंट कितना ए डी माइनस बी सी, और एडजॉइंट ए कैसे आएगा बताइए, कोई बात टाइम है थोड़ा सा,
वन बाई ए डी माइनस डी सी इंटू डी माइनस बी माइनस सी ए। ठीक है तक। नेक्स्ट पढ़िए इसके बाद क्वेश्चन नंबर डाउट यहाँ तक बोलिए। ठीक है बोलिए। इसके बाद देखिए थ्री बाई ये था टू रो टू कॉलम, ये क्या था बताइए आपका टू बाई टू टू रोज टू कॉलम। अगर थ्री तो थ्री रो कॉलम आएगा कैसे करेंगे देखिए। बस इसमें कितना रो कितना कॉलम है, थ्री रो थ्री कॉलम है। तो वन बाई टू इंटू एडजेंट ए तो फर्स्ट रो क्या बताइए एबीसी तो एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बताइए ए। अभी ए जिस रो में चला गया कॉलम चला गया तो ई एफ एच आई माइनस बी ये चला गया ऐसे ये चला गया मतलब जिस रो में रो चला गया कॉलम चला जाएगा। जैसे ए था ना पहले ए लिखे पहले साइन क्या रहा है देखिएगा साइन क्या है प्लस माइनस प्लस। तो पहला एलिमेंट ए लिखिए जिस रो में रो चला गया कॉलम चला गया रो चला गया तो क्या बचा आपके पास ई एफ एच आई। ठीक है फिर बी कॉलम चला गया रो चला गया तो क्या बचेगा डी एफ जी आई। प्लस आएगा फिर सी चला सी आएगा कॉलम चला गया रो चला गया तो क्या बचेगा डी ई जी एच। ये हो गया डिटरमिनेंट ए। और एडजॉइंट ए कैसे आएगा देखिए तो एडजॉइंट ए के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको पहले कोफैक्टर ए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको कोफैक्टर ए कैसे आएगा देखिए प्लस माइनस प्लस साइन याद रखिएगा प्लस एडजॉइंट से कैसे आएगा डिटरमिनेंट कैसे आएगा और एडजॉइंट कैसे एडजॉइंट कैसे आएगा पहले क्या निकालना पड़ेगा कोफैक्टर ए तो कोफैक्टर ए कैसे आएगा देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है बताइए ए है ए जिस रो में रो चला गया कॉलम चला गया तो क्या बचेगा आपके पास ई एफ एच आई फिर कितना बचेगा डी ई डी एफ जी आई फिर कितना बचेगा डी ई जी एच। ये तो तीन सेम रहेगा तीन क्या रहेगा आपका सेम रहेगा फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस है तो जिस रो में आएगा डी किस में आ रहा है बताइए सेकंड रो में आ रहा है तो रो चला गया कॉलम चला गया तो क्या बचेगा बी सी एच आई बी सी एच आई फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या है ई ई जिस रो में रो चला गया कॉलम चला गया तो क्या बचेगा बताइए ए सी जी आई ए सी जी आई ए सी जी आई जिस रो में एफ जिस रो में रो चला गया कॉलम चला गया क्या बचेगा ए बी डी ए बी जी एच। वैसे थर्ड रो में क्या है जी तो जिस रो में रो चला गया कॉलम चला गया तो क्या बचेगा बी सी ई एफ फिर एच है यहाँ पे तो क्या बचेगा ए सी जी आई
फिर क्या बचेगा, आई जिसमें चला गया तो और चला गया, कॉलम चला गया, ए बी डी इस तरह से बचेगा। अभी सॉल्व नहीं करना, इसका सॉल्व कर लीजिएगा, अभी नहीं करना आपको, जस्ट प्रोसेस बताया आपको हम। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, 24 नंबर। टेलीफोन नंबर देखिए, प्रोसेस बताया अभी आपको हम, एग्जाम में नंबर्स रहेगा, एबीसी नहीं रहेगा। ए कितने थे बताए यहां पे, 2 - 1 = 3, 1 - 1 = 1। पहले ए इनवर्स निकालिए, पहले क्या फाइंड करिए, ए इनवर्स फाइंड करिए पहले, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, 1 / डिपेंडेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। साइन क्या था बताइए, प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड किसे करिए, फर्स्ट हो से ये लिख लिया आपने, यहां तक एक्सपेंड किसे करिए, फर्स्ट हो से तो टू लिखे पहले, अब टू जिस रहा, मैं रॉ चला गया, कॉलम चला गया, ये चला गया पूरा, ये चला गया पूरा, तो कितना बचेगा, 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - सेकेंड एलिमेंट क्या, माइनस वन, ये चला गया, ये चला गया, तो कितना बचेगा फिर, 1 - 1 - 1 - 1 क्या बचेगा बताइए, 1 - 1 - 1 - 1 फिर प्लस 3, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, तो कितना बचेगा, 1 - 1 - 1 - 1 अब सॉल्व करें इसको, 2 1 * 1 इसको लगेगा, इसको 1 * 1 - 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर, प्लस वन, दिस इज 1 * 1 - 1 माइनस माइनस प्लस वन, तो यहाँ पे प्लस वन, 1 - 1 प्लस 3 माइनस वन माइनस वन, 2 * 2 = 4 - 0 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 2। ठीक है सर, बोलिए फर्स्ट से आगे एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालिए, तो एडजॉइंट ए कैसे आएगा बताइए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एडजॉइंट कैसे आएगा बताइए, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज करिए कोफैक्टर ए का, तो पहले कोफैक्टर निकालिए, एक कितना बताइए पहले, ए कितना था, एक बार ए लिख रहे हैं हम लोग, 2 - 1 - 3 1 - 1 - 1 1 - 1
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो टू जी जीरो ओमेगा चला गया, कॉलम चला गया ऐसे, तो क्या बचेगा इसके बाद, वन वन माइनस वन वन, फिर उसके बाद ये कैंसिल हो गया, ये चला गया, ये चला गया, कितना बचेगा बताइए फिर, वन 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 वन, फिर यहाँ पे ये चला गया, कितना बचेगा बताइए, वन 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 माइनस वन, वैसे सेकंड के लिए ये चला गया ऐसे और ये चला गया, माइनस वन थ्री माइनस वन वन माइनस वन थ्री, फिर सेकंड वाला ये चला गया और ये चला गया, वन 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 वन, टू ये चला गया, ये चला गया ना, टू थ्री वन वन बचेगा इसमें, लास्ट वाला में देखिए टू माइनस वन वन माइनस वन, उसके बाद देखिए लास्ट वाले में माइनस वन थ्री वन वन टू थ्री, टू थ्री वन वन, लास्ट वाले में टू माइनस वन वन वन, ठीक है। अब हर एक निकालिए अलग अलग, वन माइनस माइनस प्लस वन, फिर यहाँ पे वन माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री, यहाँ पे टू माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस टू माइनस माइनस प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन माइनस थ्री, यहाँ पे टू माइनस थ्री, यहाँ पे टू माइनस माइनस वन प्लस वन, इस तरह से आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, वन प्लस वन टू, जीरो माइनस टू, थ्री माइनस वन कितना हो गया माइनस टू, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन माइनस प्लस वन, यहाँ पे माइनस फोर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वन थ्री, ठीक है। तो ये होगा फैक्टर ए, पहले यहां तक समझे, पहले यहां तक फर्स्ट वाला पार्ट कोफैक्टर ए, प्लस साइन लिखिए पहले, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है, टू है, जिसका मैं चला गया कॉलम चला गया, तो क्या बचेगा फिर, वन वन माइनस माइनस वन, वन वन माइनस वन वन, फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है, माइनस वन जिसका मैं चला गया ऐसे, ये चला गया, ये चला गया, कॉलम चला गया, कॉलम चला गया, रॉ चला गया, ये चला गया और ये चला गया, तो कितना बचेगा, वन 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 वन, मल्टीप्लाई करिए, वन इंटू वन कितना होता है वन, तो बीच में माइनस का साइन आता है, बीच में साइन किसका था, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस वन, इसका वैल्यू कितना होता है देखिए, हेलो इसका वैल्यू कितना होता है बताइए, ए बी सी डी इसका वैल्यू कितना होता है,
AD माइनस BC, पता है ना इसका वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बीच माइनस करना आएगा BC, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया फिर बताइए, 1 into 1, इसको करिए बीच साइन माइनस का, तो माइनस एक पहले से और एक माइनस और है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस वन हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, 1 into 1, 1 माइनस वन, फिर यहाँ पे माइनस वन माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस थ्री, टू माइनस थ्री, माइनस टू माइनस माइनस प्लस वन, फिर माइनस वन माइनस थ्री, टू माइनस थ्री, टू माइनस माइनस प्लस वन, इस तरह से आएगा। बोले कोई डाउट इसमें, आया समझ सिमरन आपको? बोलिए, कोई फैक्टर आ गया? इसके बाद क्या निकाले, एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज, अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यहाँ कितना आएगा बताइए, फिर 2 0 माइनस टू माइनस टू माइनस वन, वन माइनस फोर, वन थ्री। अब ए इनवर्स कितना आ जाएगा बताइए, फिर 1/8 रिमेंट कितना आया था, माइनस टू, ठीक है। अब इसके बाद फिर ए इनवर्स हो गया, फॉर्मूला क्या था उसके बाद, ए इनवर्स के बाद इक्वेशन क्या दिया बताइए, इनवर्स हो गया, इसके बाद सेकंड पार्ट क्या, इक्वेशन क्या दिया बताइए, यहाँ पे 2x माइनस कितना है यहाँ पे y, प्लस कितना है 3z, 9, फिर x प्लस y प्लस z कितना है 6, फिर इसके बाद x माइनस वाई प्लस जेड कितना है 2, x माइनस वाई प्लस जेड कितना है 2 है। अब इसको मैट्रिक्स में लिखिए पहले, इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड, वैसे करना आपको सेम कोएफिशिएंट, इसको मैट्रिक्स में लिखिए, तो 2 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 एक्स वाई जेड, इसका कितना आएगा 9, 6, 2। इसको ए ले लीजिए, इसको एक्स ले लीजिए, इसको बी, तो एक्स कितना आ जाएगा बताइए, फिर ए इनवर्स बी, ठीक है तक। अब इनवर्स आप निकाल चुका ऑलरेडी, एक्स कितना कर दिया इनवर्स भी, अब इनवर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
इनवर्स कितना 1 बाय माइनस 2, फिर 2 माइनस 2 माइनस 4 0, माइनस 1 1 माइनस 2 1 3, अब बी कितना था माइनस 6 2, अब मल्टीप्लाई करिए इसका रॉ रॉ इनटू कॉलम, तो 2 इनटू 9 कितना हो गया 18, माइनस 12 माइनस 8 0 माइनस 6 प्लस 2, यहाँ पे माइनस 18 प्लस 6 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 1 2 3 तो एक्स कितना हो गया 1 2 जेड कितना हो गया 3 ये आंसर हो गया। समझे से करना है, बोले कोई डाउट इसमें? हेलो बोलो। समझे से करना है, तो मैंने ए इनवर्स निकालना है, मेन क्या बताइए उसका ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल क्या हो गया ए इनवर्स बी, ठीक है। तो पहले आप लोग होमवर्क करिएगा क्वेश्चन में 26 तक, हाँ बन जाएगा, देखो बोलिए कोई डाउट है? देखिए ट्वेंटी नंबर बन जाएगा, 21 हो गया, वैसे 22 बन जाएगा, 22 हम करा दिए, 24 बन जाएगा, 25 बन जाएगा, 24 हम करा चुके हैं, 25 बन जाएगा, 26 बन जाएगा, ठीक है। होमवर्क रहेगा आपका, नेक्स्ट क्लास परसों रहेगा सेम टाइम 4:30, ठीक है। तो आज का क्लास ऑफ होता है, सौरभ जी मीटिंग एंड करिए, सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।